लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे स्क्वायर नंबर्स की. नेक्स्ट टॉपिक हम सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे लाइक एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स, अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, आइदर थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थ्रू डिविजन मेथड. लास्ट में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना डेसिमल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिविजन मेथड के थ्रू. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. आज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में पढ़ेंगे हम कि स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज स्क्वायरिंग, हाउ वी यूज टू डू स्क्वायर, हम कैसे स्क्वायर करते हैं नंबर्स का. तो स्क्वायर का मतलब होता है जिस भी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड द स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमें वन का स्क्वायर करना है, अगर हमें वन का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब वन को वन से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, वन इंटू वन इज वन. अगर हमें टू का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा, टू इंटू टू. सेम नंबर जिसका स्क्वायर करते हैं उसी की मल्टीप्लाई उसी से करते हैं, तो टू टू जा कितना आया, फोर, राइट. इसी तरीके से थ्री का स्क्वायर किया तो थ्री की मल्टीप्लाई थ्री से, और वो हमें पता है नाइन होता है, राइट. तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना, मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, राइट. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. इसका मतलब है कि जो स्क्वायर करके नंबर्स आते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखेंगे आज हम. एक मैं टेबल बना देती हूँ जिसमें 1 से 20 तक का स्क्वायर होगा. प्लीज आप कोशिश करिएगा उसको लर्न करने की. ये है हमारा नंबर और ये है उसका स्क्वायर करके जो आएगा, राइट. इन्हीं नंबर के बेसिस पे हमें पता चलेंगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर नंबर्स की, राइट. तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा. 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर करना मैंने अभी अभी आपको बताया था. 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे फिर से नंबर है और ये उनका स्क्वायर है, राइट. इसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर और ये उनका स्क्वायर, राइट. अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आएगा. ये थे हमारे कि नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, राइट. अब हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो इसी पे बेस्ड है, राइट. हमारे नंबर्स क्या क्या होते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9 तक के दिख रही हूं. अब हम देखिए जैसे जैसे नंबर्स आते रहेंगे तो मैं इसको काटती रहूंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्क्वायर करने के बाद कौन से नंबर्स आते हैं एज अ यूनिट डिजिट. तो देखिए 1 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 9 आया हुआ है, तो हमने 1 आया हुआ है, 4 आया हुआ है और 9 आया हुआ है. अब देखिए सबकी यूनिट डिजिट देखनी है. 16 का 6 यूनिट डिजिट है तो 6 काट दिया, 25 का यूनिट डिजिट 5 है तो 5 कैंसिल कर दिया,
नेक्स्ट सिक्स ऑलरेडी कट चुका है, नाइन कट चुका है, फोर कट चुका है, वन कट चुका है, तो जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, दैट्स इट। फिर से देखिए, 4965694 10 ये नंबर ऑलरेडी कट चुके हैं। तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसका मतलब अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, जीरो आएगी, वन आएगी, फोर आएगी, फाइव आएगी, सिक्स आएगी, नाइन आएगी। और कौन सी डिजिट नहीं आएगी, दैट इज टू नहीं आएगी, थ्री नहीं आएगी, सेवन नहीं आएगी और एट नहीं आएगी, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो हम कह सकते हैं जिन नंबर्स के एंडिंग डिजिट जो मैंने कट किए हैं वो हैं, तो वो क्या है, हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टार बना के, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कौन कौन सी होनी चाहिए, जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स एंड नाइन इज अ स्क्वेयर नंबर। अगर किसी का यूनिट डिजिट, ये सारे नंबर्स हैं जो मैंने अभी अभी बताए, जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन है, तो वो स्क्वेयर नंबर है। और इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट, हैविंग यूनिट डिजिट, कितनी यूनिट डिजिट हो, अगर यूनिट डिजिट टू हो, थ्री हो, सेवन हो और एट हो, देन दैट नंबर इज नॉट अ, नॉट अ स्क्वेयर नंबर, वो नंबर स्क्वेयर नंबर नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट टू थ्री सेवन एट है तो वो नंबर स्क्वेयर नंबर नहीं होगा, राइट। तो अब हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो स्क्वेयर नंबर है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर मैं कहती हूं 2 3 4 5 3, क्या ये स्क्वेयर नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है, थ्री, और थ्री किस केस में आता था, नॉट अ स्क्वेयर नंबर, तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज नॉट अ स्क्वेयर नंबर, स्क्वेयर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, थ्री है, राइट। तो एक प्रॉपर्टी थी ये। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट वन या नाइन है तो उसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट नंबर कितना आएगा, वन ही आएगा। तो देखिए मैं आपको ऊपर टेबल में इससे दिखा देती हूँ। देखिए अगर आप इस टेबल को देखेंगे, अगर वन नंबर है तो भी यूनिट डिजिट वन आ रहा है, और अगर नाइन है तो भी यूनिट डिजिट वन आ रहा है, फिर से अगर वन है तो यूनिट डिजिट वन ही आ रहा है, और अगर नाइन है तो भी यूनिट डिजिट वन आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट वन और नाइन है तो उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट नंबर कितना आएगा, वन ही आएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं, इफ एनी नंबर हैज यूनिट डिजिट वन और नाइन, देन द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वेयर नंबर इज ऑलवेज वन, हमेशा कितनी होगी, यूनिट डिजिट ऑलवेज वन होगी, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम, हमने देखा 11 का स्क्वायर किया और क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, वन है, तो उसका आंसर कितना आया, 121 ही आया, मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई, वन ही आई। वन अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट है तो उसको स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आएगी, वन ही आएगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि देखिए यहां से समझते हैं टेबल से कि किसी भी स्क्वायर किए हुए नंबर का यूनिट डिजिट सिक्स है तो किस नंबर का स्क्वायर होगा वो, या तो उसकी यूनिट डिजिट फोर होगी या सिक्स होगी। देखिए यहां सिक्स है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, सिक्स है, राइट। अब अगर यहाँ पे किसी पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर सिक्स है तो
तो या तो ये जिस नंबर का भी स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी या 6 होगी। तो देखिए यहाँ 4 है, इसी तरीके से अगर यहाँ यूनिट डिजिट 6 है तो ये किसके नंबर का स्क्वायर होगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 या 4, देखिए राइट। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 6, 6 पे एंड्स हो गया, तो इन द नंबर, देन द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव यूनिट डिजिट आइदर 4 और 6, 4 होगी या 6 होगी। फॉर एग्जाम्पल अब 196 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट 6 थी, तो किस किस नंबर का स्क्वायर हुआ जिसकी यूनिट डिजिट 4 थी, राइट। तो उसने यही कहा है, स्क्वायर हुआ हुआ कोई भी एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा या तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी या 6 होगी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जीरो से रिलेटेड, कि किसी भी स्क्वायर नंबर के अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर किसी भी नंबर के इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोस लग जाएंगी, 10 × 10 इज 100। इसी तरीके से 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोस लग जाएंगी, 1000 × 1000 6 जीरोस लग जाएंगी। तो देखिए ये कितनी जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है, इवन नंबर मतलब 6 जीरोस है, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरीके से ये 2 है जीरोस, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो स्क्वायर किया हुआ नंबर होता है उसमें जो जीरोस होती हैं वो इवन नंबर ऑफ जीरोस होती है, अगर वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो नंबर स्क्वायर हुआ हुआ नहीं है, राइट। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी स्क्वायर नंबर से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। फर्स्ट पॉइंट इज एडिंग ट्राइंगुलर नंबर। इसमें हम वो नंबर्स ऐड करते हैं जिसमें हम डॉट्स के थ्रू ट्राइंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नंबर्स ऐड करते हैं, लाइक 1, 3, 6, 10 एंड 15। तो देखिए इनके कैसे बना सकते हैं, 1 में 1 डॉट होता है, 3 में 1, 2 एंड 3, 6 में 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1, ये आ गया 6। 10 में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1, ये 10 आ गए। 15 में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 थ्री फोर, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक डॉट ये 3 डॉट से ट्राइंगल बन रहा है, ये 6 डॉट से ट्राइंगल बन रहा है, और ये 10 डॉट से, और ये 15 डॉट से, राइट। तो डॉट पैटर्न क्या कहता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे, देखिए इसका नंबर नाम था एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं नंबर्स, राइट। तो इन दो नंबर्स को, कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा, 4 आया 3+1 करके, तो 4 किसका स्क्वायर है,
टू का स्क्वायर, वो जो नंबर आएगा वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अभी हमने इन दोनों को ऐड करके देखा, ये टू का स्क्वायर बना। अगर हम इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, तो थ्री प्लस सिक्स को ऐड करेंगे तो नाइन आएगा। हम इन दोनों को ऐड करके नहीं देखेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार एक के बाद एक जोन सा भी आ रहा है, राइट। तो नाइन किसका स्क्वायर है? थ्री का स्क्वायर है। अब इसी तरीके से अगर सिक्स और टेन को ऐड करके देखें तो सिक्स प्लस टेन कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है सिक्सटीन, और ये किसका स्क्वायर है? फोर का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम टेन प्लस फिफ्टीन करके देखें तो ये कितना आ रहा है? ट्वेंटी फाइव, और ये किसका स्क्वायर है? फाइव का स्क्वायर है। आप आगे भी करके देख सकते हैं। तो ये थे एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स का मतलब है दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं, ये कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिया टू का स्क्वायर एंड थ्री का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ही स्क्वायर होगा। लाइक टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर, हमेशा याद रखिए ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर होगा। ये नहीं होगा यहाँ टू का स्क्वायर है, यहाँ फोर का स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है ये नंबर टू है और ये नंबर थ्री है, तो ये नंबर जो है वो टू से एक ज्यादा है। थ्री कैसे बनता है? थ्री हमारा टू में वन प्लस करके बनता है। तो अगर हम टू को एन मान लेते हैं तो थ्री को क्या मान लेंगे? हम एन प्लस वन मान लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? हमेशा बड़े के स्क्वायर में से हम छोटे का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ये किसका स्क्वायर बन गया? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा याद रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां पर ए हमने एन माना है और बी हमने वन माना है, राइट। तो ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म ये है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे ए ए जहां आ रहा है वहां हम एन लिख देंगे और बी बी जहां आ रहा है वहां हम वन कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? देखिए ए की जगह एन, तो एन का स्क्वायर, ये रहा एन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए था एन और बी था वन, राइट। माइनस ये वाली जो वैल्यू आई है वो इसको सॉल्व करके आई है और ये एज इट इज हम यहां लिख रहे हैं, तो यहां आ गया एन का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूं, तो एन का स्क्वायर का मतलब है एन स्क्वायर प्लस एज इट इज, वन का स्क्वायर का मतलब है वन इंटू वन इज वन, प्लस टू इंटू एन इज टू एन। वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, कोई नंबर नहीं आ सकता, तो डायरेक्टली 2n लिख देंगे और 2n into 1 is 2n, तो 2n लिख दिया और माइनस n स्क्वायर, राइट। ये देखिए ये वाला n स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये n स्क्वायर माइनस का है क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन लग रहा है और ये n स्क्वायर प्लस का है। तो जब भी एक वैल्यू एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो कैंसिल हो जाती है। तो क्या बच जाएगा? ये सिर्फ ये बच गया, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करके क्या आ गया? ये 2n प्लस 1 आ गया। अब हमें n तो पता है, अब हम इन दोनों नंबर्स के रेस्पेक्ट में हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमारी वैल्यू ये आई। अब हमने n किसे माना था? 2 को माना था, और हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के इजिली निकाल सकते हैं कि कितने स्क्वायर नंबर्स हैं इन दो नंबर्स के बीच में। हमें इसके बीच के नंबर्स निकालने थे, तो अब n हमें पता चल गया 2 है, तो अब यहां लिख रही हूं 2 के स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर में कैसे निकालेंगे। तो 2 n हमारा है 2, देखिए यहां पे 2 ये वाला n हमारा ये था 2, राइट, प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 2 टू जा, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टू जा 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया, राइट।
तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, कितने नंबर्स है, 5। तो ये थे हमारा नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स निकालने का तरीका, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग ऑड नंबर्स। अब हमें ऑड नंबर्स ऑलरेडी पता है कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, तो ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and so on, राइट। अब एडिंग ऑड नंबर्स कहता है कि जब भी हम आपस में ऑड नंबर्स ऐड करते हैं, तो जितने भी हम आपस में कॉन्जिक्यूट ऑड नंबर्स ऐड करते हैं, कॉन्जिक्यूट मीन्स लगातार ऑड नंबर्स ऐड करते हैं, तो जितने भी हम ऑड नंबर्स ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स ऐड किए, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इसका सम विदाउट एडिंग कैसे निकालेंगे हम, तो क्योंकि ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो कितना होता है, 25। अब आप चाहें इसे ऐड करके देखें तो आपका आंसर कितना आएगा, 25। फिर से बता रही हूँ, जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करते हैं, तो जितने भी हम ऐड करते हैं उसको बिना ऐड किए हम कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी नंबर है वो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब अगर मैं 10 ऑड नंबर्स ऐड करती हूँ, तो कैसे आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। तो ये कि 10 का स्क्वायर, 10 थे नंबर तो 10 का ही स्क्वायर कर लिया, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 × 10 दैट इज 100। तो अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 100। तो विदाउट ऐड किए आप उसका सम निकाल सकते हैं जब भी आप ऑड नंबर्स ऐड करते हैं। तो ये था एडिंग ऑड नंबर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या कहता है कि अगर हम एन स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर -1/2 प्लस एन स्क्वायर +1/2 करेंगे, वेयर एन क्या है, एक ऑड नंबर, एन इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो देखिए, जहां पर भी n अगर ऑड नंबर है, तो हम उसके कॉन्जिक्यूटिव दो नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालेंगे, उस n स्क्वायर का -1/2 कर देंगे, n स्क्वायर +1/2। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें 3, 3, क्योंकि n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर -1/2 प्लस 3 का स्क्वायर +1/2 करके निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 में से 1 गया इस 8, राइट। तो ये क्या आ गया, 8/2 प्लस, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 1 कितना आया, 10, तो 10/2, तो ये कितना आ गया, 8/2 इज 4 एंड 10/2 इज 5, तो कितना आ गया, 9। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, राइट। इसका मतलब हमने किसको ऐड किया, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड किया, राइट। तो हमारा क्या आया, एक किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर आ गया, जो कितना था, 9। इसी तरीके से अगर हम 5 का स्क्वायर करें, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, राइट। तो ये कैसे आएगा, एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -1/2 प्लस 5 का स्क्वायर +1/2 करके आएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में से 1 गया तो कितना आया, 24 आ गया, तो ये आ गया 24/2 प्लस, और 25 में 1 ऐड हुआ तो 26/2, तो 24/2 किया तो 12 आ गया, और 26/2 किया तो 13 आ गया। तो देखिए, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और इनका सम क्या आ रहा है, हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो ये कितना आ गया, 25। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न आता है हमारा
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, 5 और 7 का प्रोडक्ट निकालूंगी तो क्या कर सकती हूँ, इन दोनों के बीच में, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में इवन नंबर होता है 6, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए, दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट इवन नंबर में से, उनके बीच में जो इवन नंबर लाया करता है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, a प्लस बी, ए यहाँ 6 है और b यहाँ 1 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ एक में माइनस है एक में प्लस है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और b क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। और सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 होता है माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 36 में से 1 गया 35। तो देखिए, किसी भी ऑड नंबर्स का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो उसके बीच में जो इवन नंबर होता है उसमें से एक बार माइनस 1 कर देंगे और एक बार प्लस 1 कर देंगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लेते हैं 39 इंटू 41, तो कैसे निकालेंगे, 39 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 40, 40 में से 1 गया और 40 में 1 ऐड कर दिया, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 4 4 16 और 2 0 लगे, आप चाहें तो अलग से करके देख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर इज 1, अब ये कितना आ जाएगा 1599 आ गया, तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1599। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, ये हमें इस फॉर्मूले के थ्रू पता लग गया। इसी तरीके से आप इवन नंबर्स भी ले सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को अगर करेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, उन दोनों के बीच में जो ऑड नंबर लाया करेगा वो आएगा, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक इज सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। ये हमारा होता है पैटर्न को पहचानना, लाइक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे भी। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, राइट। अब 11, एक 1 बढ़ गया है 1 में, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 111 का स्क्वायर होगा, तो ये देखिए 111 का स्क्वायर होगा 12321, राइट। अब अगर हम 4 times 1 कर दें तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4 3 2 1, देखिए यहाँ पे 3 2 1 था 3 2 1, यहाँ पे 1 2 3 था तो 1 2 3, और बीच में क्या आ गया 4 आ गया, राइट। अब अगर हमें कहें 5 times 1 का स्क्वायर निकालना है तो हम इजिली निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए 1 2 3 4 और 4 3 2 1 दोनों साइड लिख दिया, तो हमने लिखा 1 2 3 4 और 4 3 2 1, राइट, और बीच में क्या आ जाएगा 5। इस ये था पैटर्न लर्न करने का। देखिए 1 का स्क्वायर हमें दे रखा था, 11 का स्क्वायर दे रखा था, 111 का स्क्वायर दे रखा था, 4 times 1 का स्क्वायर दे रखा था, तो हमें पता चल रहा था यहाँ पे बीच वाली वैल्यू पे 2 इंक्रीज हुआ, फिर ये दोनों इधर शिफ्ट हो गई, ये दोनों इधर शिफ्ट हो गए, 3 आ गया बीच वाली वैल्यू में, अब 3 की जगह 4 आ गया और ये 3 वैल्यूज इधर आ गई और ये 3 वैल्यूज इधर आ गई, तो हम नेक्स्ट अगर 5 times है 1 तो बीच में तो 5 आ जाएगा, 4 के बाद 5 और ये वाली चारों वैल्यूज इधर और ये वाली चारों वैल्यूज इधर। तो ये था पैटर्न पहचानने का तरीका, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होंगे वो 3 नंबर्स का कलेक्शन होता है, और वो 3 नंबर्स कौन कौन से होते हैं, पहला नंबर 2m होगा, नेक्स्ट नंबर m² - 1 के इक्वल होगा,
और नेक्स्ट नंबर एम स्क्वायर प्लस वन के इक्वल होगा। तो अगर हमें इन तीनों में से कोई सी भी एक वैल्यू पता चल जाए तो हम इजिली बाकी की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा ये जो नंबर होता है ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो अब हम कैसे निकालते हैं, अगर मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट का 8 है, तो बाकी के दो नंबर्स और निकालिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर 2m होता है, तो हम क्या करते हैं 2m के इक्वल 8 को रख देते हैं, 8 इसकी जगह 8 है, तो ये वैल्यू 8 के इक्वल रख दी, जिससे कि हमें m पता चल जाए। अगर हमें m पता चल जाएगा तो ये दो वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो m कैसे आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके 2 डिवाइड का हो जाएगा, तो 8 के नीचे 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो m कितना आ गया हमारा 4। तो अब हमारा m square minus 1 पता चल सकता है, m की जगह हमने 4 रख दिया minus 1, और हमें पता है 4 4s are 16 होता है minus 1, तो 16 में से 1 गया is 15। इसी तरीके से अगर m square plus 1 निकालना हो तो 4 का square m की जगह 4 रखा प्लस 1, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 17। तो हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आ गए, पहला तो एक मेंबर दे रखा था 8, नेक्स्ट 15 एंड देन 17, राइट। तो ये था तरीका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का। अगर वो कहता है एक स्मॉल मेंबर हमने, हमें पता है कि ये है, तो स्मॉल मेंबर का मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है। अगर कुछ नहीं कहता, ये कहता है वन ऑफ द मेंबर इज दिस, अगर ये कहता वन ऑफ द मेंबर इज 8, तो हम वैल्यूज रख रख के देखते कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर ही आ रही है या रूट में आ रही है। अगर रूट में आ रही होती तो हम वो उसको नहीं लेते, हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए इंटीजर, लाइक दिस। इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जो प्लस या माइनस की फॉर्म में आए, राइट। तो ये था हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो देखिए फर्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताती हूँ। देखिए हमने, हमें पता है प्लस का इनवर्स, प्लस का ऑपोजिट जिसे कहें वो माइनस होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, इसी तरीके से स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर का ऑपोजिट होता है दैट इज स्क्वायर रूट, राइट। और स्क्वायर रूट कैसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, हमने पढ़ा था वन का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब अगर हमें बोलता है वो क्वेश्चन में कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए ऑपोजिट क्या था 9 किसका स्क्वायर था 3 का, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, राइट। इसी तरीके से अगर वो कहता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट, देखिए 4 किसका स्क्वायर था 2 का, तो 2 हमारा स्क्वायर रूट आ गया, किसका 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, अब हमें पता है 81 9 का स्क्वायर होता था 81, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 9 का, राइट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस टॉपिक में हमें स्क्वायर रूट निकालना है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो कैसे निकालते हैं, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमें 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, हम सारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक ये नंबर जीरो ना आ जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितने स्टेप्स में ये नंबर जीरो आएगा उतना ही नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा। देखिए अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है 81 का। एक तो मेथड अभी हम पढ़ के आए कि डायरेक्टली हमें पता चल गया कि स्क्वायर से, कि
स्क्वायर रूट जिसका निकालना है उसका ऑपोजिट देख लेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर था। अब सेकंड मेथड ये है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सब्ट्रैक्शन मेथड हम तब तक करते चले जाते हैं जब तक हमारा जीरो नहीं आता। तो देखिए, और हमेशा हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 81 में से हम पहला ऑड नंबर कितना होता है, वन, वन सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 80। अब 80, ये वाला 80 लेंगे, तो 80 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर वन के बाद होता है 3, तो ये कितना आ गया 77। अब 77 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर, 3 के बाद ऑड नंबर आता है 5, तो 77 में से 5 किया है 72। अब 72 में से कितना माइनस करेंगे, 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7, तो ये कितना आ जाएगा 12 में से 7 गया 5 एंड 6। इसके बाद इस साइड कर रही हूं, अब 65 आ गया। अब 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9, तो 65 में से 9 गया 15 में से 9 गया 6 एंड 5। अब 56 लेंगे, अब 9 के बाद ऑड नंबर आता है हमारा 11, तो ये कितना आ जाएगा 45। अब 45 में से 11 के बाद आता है हमारा ऑड नंबर 13, तो कितना आ जाएगा 2 एंड 3, 32 आ गया। अब 32 में से किसे माइनस करेंगे, 13 के बाद 15 ऑड नंबर आता है, तो 12 में से 5 गेस 7 एंड 2 में से 1 गेस 1। अब इधर कर रही हूँ साइड में, अब ये 17 बचा है, तो 17 में से क्या माइनस करेंगे, 15 के बाद ऑड नंबर आता है 17, तो कितना आ गया 0। अब ये कितने स्टेप्स में 0 आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जितने भी स्टेप्स में आया है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वही स्टेप्स आ जाएंगे 9। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 9 का। तो ये था हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का, जिसमें हम लगातार ऑड नंबर्स एक के बाद एक जो आता रहता है कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं नंबर में से जब तक वो जीरो नहीं आ जाता। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम अपनी पास्ट क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि हमें प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना था। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, 324 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए, 324 क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 324 को। आप चाहें तो साइड में करके भी डिवाइड देख सकते हैं, 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा 12, 2 टू जा 4। अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एट जा 16, 2 वन जा 2। अब 81 2 से नहीं जाता, 3 से जाता है, तो 3 टू जा 6। आपको ये चीज समझना है तो प्लीज क्लास 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर देखें। 3 2 जा 6 21, 3 7 जा 21, 3 से अगेन जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो अब हम इस वैल्यू की जगह स्क्वायर रूट में ये सारी वैल्यूज जिससे हमने डिवाइड किया है उसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए, 2 टाइम्स तो 2 था और 4 टाइम्स 3 था। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, अब हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं और एक बार स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं। तो ये 2 का पेयर बना तो एक बार बाहर लिखा, 3 का पेयर बना तो एक बार 3 लिखा, फिर से 3 का पेयर बना तो एक बार 3 लिख दिया। तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमें पता चल गया ये स्क्वायर रूट है 18 का। तो ये था तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट निकालने का। अब नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट निकालने का नेक्स्ट तरीका बाय थ्रू डिवीजन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। अब स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 9801 का हमें मान लीजिए डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझिएगा, राइट?
हम ऐसा परफॉर्मा बनाते हैं और इसके अंदर यही नंबर लिख लेते हैं जिसका डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना होता है। अब हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड ये है और हमने टू टू के पेयर्स बनाए, तो टू टू के पेयर्स बनाने के लिए हमने ऊपर ये बार लगा लिया जिससे हमें पता चल गया ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, राइट। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सेम नंबर की आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। लाइक अगर हमें करना होता है टू टूज अ फोर, थ्री थ्रीज अ नाइन, ऐसे नहीं करेंगे, टू थ्रीज अ सिक्स, ये गलत हो जाएगा, राइट। हमेशा सेम नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहला नंबर 98 है, नाइन नहीं लेंगे, 98 लेंगे क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ है, राइट। अब हमारा पहला नंबर 98 है, तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जो 98 से छोटा है। ऐसे दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, दो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं जो जिनको मल्टीप्लाई करके 98 से छोटा है। तो हमें पता है 8 8 जा तो 64 होता है और 9 9 जा हमारा कितना होता है 81। तो हम क्या लेंगे, 9 के बाद 10 आ जाता है, 10 नहीं ले सकते तो हम 9 से ही लेंगे, तो 9 9 जा 81। अब इसे माइनस करेंगे 98 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 एंड 9 में से 8 गया 1। और अब हम सिर्फ 0 नहीं उतारेंगे, ये पेयर में थी जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो सेम वैल्यू नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं जो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके आती है, तो 9 प्लस 9 कितना होता है 18 होता है, तो 18 यहाँ लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, आप अगर इंट्रो स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था जिसकी यूनिट डिजिट 1 होती है वो किससे डिवाइड होगा, किसका स्क्वायर होगा, या तो उस नंबर की यूनिट डिजिट 9 होगी या 1 होगी, राइट। इसकी यूनिट डिजिट से देखेंगे, इसकी यूनिट डिजिट 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 आती है हमारी यूनिट डिजिट, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 से 81 आती है जिसकी यूनिट डिजिट 1 होती है, तो या तो यहाँ पे 1 आएगा या 9 आएगा। तो कैसे करेंगे, अब 1 8 तो ये वाला लेंगे, अब नेक्स्ट नंबर जो रखेंगे वो 1, और क्योंकि मैंने बताया था सेम नंबर्स लगते हैं तो यहाँ जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 1701 बहुत बड़ा नंबर है 181 से। तो इसका मतलब हम अब 1 8 9 रख के देखते हैं क्योंकि उसकी भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखिए 9 9 इज 81, 9 8 इज 72 प्लस 8 इज 80, 9 1 इज 9 प्लस 8 इज 17, तो देखिए सेम नंबर आ गया, राइट। तो हमने यहां लिख दिया 9 9 इज 1701 और कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ये उस केस में होता है जब हमारा यूनिट डिजिट कब पहचानते हैं हम, जब हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर हमें पता है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ऐसे पहचान नहीं सकते कि कौन से नंबर में ये आएगी। आप चाहें तो उसको करके देख सकते हैं, वरना फिर उससे छोटी वैल्यू ले लें। तो अब हमें पता चल गया इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, ये नंबर किसका स्क्वायर है, दैट इज 99 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9801 का स्क्वायर कितना होता है, 99 इज द आंसर। आपको ये मेथड करके आना पड़ेगा और इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने एक्सरसाइज में भी काफी सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये थे हमारे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। अब एक और मेथड है, अगर हमें डेसिमल नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या आप डिविजन मेथड से किसी से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है 12.25, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या डिविजन मेथड से, दोनों के आंसर सेम होंगे। कैसे, देखिए अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 12.25 का, तो पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, दो डिजिट पहले लगा हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे, तो जब भी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाती है,
जितनी डेसिमल पे, जितनी प्लेस पे डेसिमल होता है उतनी जीरोज लग जाती हैं। अब हम ऊपर वाली वैल्यू का और नीचे वाली वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 1225 है, अब क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20, 5 5s are 25, अगेन 5 से, 5 4s are 20, 5 9s are 45। अब 7 से जाएगा, 7 7s are 49 एंड 7 1s are, तो हम 1225 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 बार 5 और 2 बार 7, तो 5 into 5 एंड 7 into 7। अब हम इसी तरीके से 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए 2 5s are 10 एंड 0, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। इसी तरीके से 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो 100 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 into 2 into 5 into 5। अब जब भी ऐसा वाला साइन होता है तो हम क्या करते थे, दो दो के पेयर्स बनाते थे और एक बार बाहर लिख देते थे। ये पेयर बन गया तो एक बार बाहर आ गया, इसी तरीके से ये पेयर बन गया तो एक बार बाहर आ गया, और इसी तरीके से ये पेयर बना तो एक बार बाहर आ गया, और ये पेयर बना तो ये बाहर आ गया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं हम, तो ये आ गया हमारा 7 5s are 35 और नीचे 5 2s are 10। आप चाहें तो इसे भी काट सकते थे, लेकिन फिर आपको डिवाइड करना पड़ता, और मुझे पता है नीचे जीरो बन रही है, और जब भी जीरो बनती है तो जितनी जीरो होती है उतनी डिजिट से पहले हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट। इसलिए मैंने उसको कट नहीं किया, क्योंकि नीचे एक जीरो थी इसलिए एक डिजिट से पहले पॉइंट लग गया। तो आंसर कितना आया, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा आंसर 3.5 आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब हम डिविजन मेथड से करते हैं, क्या आंसर सेम आता है ये देखने के लिए। आप कोई सा भी मेथड, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। तो और हमें निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था 12.25 का, तो डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं। देखिए वही परफॉर्मा 1225 का जो अभी हमने पढ़ा था। अब पॉइंट यहां है, तो देखिए जहां पे भी पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड में होती है उसके दो दो के पेयर्स बनाएंगे, पॉइंट के लेफ्ट लेफ्ट साइड से पेयर्स बनाएंगे, और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाएंगे। फिर से बता रही हूं, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट साइड से पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाएंगे, राइट। अब हमें पता है सेम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन चलती है, तो 2 2s are 4 होता है, 3 3s are 9 होता है, और 4 4s are 16 होता है। तो 4 टाइम्स 4 करेंगे, देखिए 4 टाइम्स 4 करेंगे तो 16 ज्यादा हो जाएगा 12 से, तो हम 3 टाइम्स 3 करेंगे जो कि कितना आएगा 9। तो हमने किया 3 टाइम्स 3 इज 9। अब 12 में से 9 गया 3, और क्योंकि 25 है तो 25 उतार लिया। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतार रहे हैं तो ऊपर भी क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, राइट। अब हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके यहां लिखते थे, तो 3 plus 3 is 6, तो 6 हमने यहां लिख दिया। अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करके देखेंगे, तो 65 5s are। ये दोनों नंबर्स हमेशा सेम होने चाहिए, तो 5 5s are 25 एंड 5 6s are 30 एंड 32, देखिए सेम नंबर आ गया, तो 65 5s are 325, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम 12.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है हमारा, दैट इज 3.5 आ जाएगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सेम आया था और डिवीजन मेथड से, तो आप अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज, प्लीज ध्यान से देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज उसको रिपीट करके पॉज कर करके वीडियो देखिएगा। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज।